हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया ही टॉपिक, दैट इज पॉजिटिव पे सिस्टम। पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है? अगर आप बैंकिंग यूज करते हो, यानी कि चेक सिस्टम यूज करते हो, तो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। जो पॉजिटिव पे सिस्टम RBI एंड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है इन 2021। अगर आपने पॉजिटिव पे सिस्टम नहीं कम्प्लाई किया तो क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके फायदे क्या है, ये पूरे बैंकिंग सिस्टम में पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है, आज हम वो उसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं और थोड़े बहुत बैंक के एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं कि उसमें अगर हमें पॉजिटिव पे सिस्टम को कम्प्लाई करना है तो हम कैसे कम्प्लाई कर सकते हैं। तो जुड़े रहे एंड तक। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, देन मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए और वेरी यूजफुल इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे चैनल पे आते रहते हैं। तो आइए चलो जानते हैं कि पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देख लेते हैं कि आजकल सब मनी ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग, UPI और NEFT का यूज करते हैं, और यूज करना भी चाहिए क्योंकि हमारा पैसा जिसको पेमेंट करना है वो फास्ट हो जाता है। तो मनी ट्रांसफर के लिए ये सब कुछ मोड यूज करते हैं, बट काफी केस में चेक भी लिखने पड़ते हैं। जैसे कि फ्यूचर डेट में अगर पेमेंट करना है तो पोस्ट डेटेड चेक हम इश्यू करते हैं, अगर लार्ज अमाउंट है तो उस केस में भी हम चेक इश्यू करते हैं। तो काफी केस में चेक भी हम यूज करते हैं, बट जब चेक का बात आती है तो उसमें फ्रॉड भी हो जाते हैं। कैसे कैसे फ्रॉड हो जाते हैं? काफी केस में चेक में फ्रॉड भी हो जाते हैं, बट कैसे फ्रॉड हो जाते हैं? एग्जाम्पल है कि अमाउंट में टैम्पर्ड करना, अमाउंट ही चेंज हो गया, देन सिग्नेचर कॉपी या सिग्नेचर फोर्ज किया और नया ही चेक इश्यू कर दिया विथ फोर्ज सिग्नेचर। ऐसे सारे फ्रॉड्स होते रहते हैं, तो ये फ्रॉड्स भी होते रहते हैं और चेक का भी हमें बैंकिंग सिस्टम में काम करना है। तो ये सारे फ्रॉड को रोकने के लिए एक नया ही सिस्टम, दैट इज पॉजिटिव पे सिस्टम, RBI एंड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है ऑन 25th September 2020 को नोटिफाई किया है ये पॉजिटिव पे सिस्टम को। और ये अगर पॉजिटिव पे सिस्टम को नोटिफाई कर लिया है बट अगर हमने कंप्लाई नहीं किया तो क्या नुकसान हो सकते हैं, वो भी चलो जान लेते हैं। यहाँ पे पहले तो ये देख लेते हैं कि बैंक ने कंपलसरी कर दिया है, मैंडेट कर दिया है टू कंप्लाई PPS टू अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर को कंप्लाई करने के मैंडेट कर दिया है बैंक। इसमें पॉजिटिव पे सिस्टम में हम आगे देखने वाले हैं कि कैसे कैसे रहता है, बट अगर यहाँ पे हम वो सिनारियो देखते हैं कि बैंक ने ही मैंडेट कर दिया है टू कंप्लाई PPS, बट उस केस में अगर अकाउंट होल्डर ने कंप्लाई नहीं किया है तो क्या हो सकता है? चेक क्लियरिंग हाउस विल नॉट क्लियर द चेक, चेक ही आपका क्लियर नहीं होगा, चेक में बाउंस, चेक बाउंस हो सकता है। किस केस में? उस केस में जिसमें स्पेसिफाइड लिमिट्स जो बैंक ने डिसाइड की है उससे ऊपर आपका चेक है, तो देन बैंक चार्ज भी लगा सकती है, रिस्पेक्टिव बैंक जिसने कंपलसरी किया है टू कंप्लाई पॉजिटिव पे सिस्टम। तो इतना मतलब आपका कोई बिजनेस कारोबार है तो उसमें आपको आपने चेक इश्यू किया है और पॉजिटिव पे सिस्टम ने आपने अगर नहीं कंप्लाई किया उस कारण आपका चेक बाउंस हुआ है, तो आपकी वो एक इम्प्रेशन का भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपका एक पॉजिटिवनेस मतलब पॉजिटिव पे सिस्टम को आपको कंप्लाई करना पड़ेगा थ्रू पॉजिटिव व्यू, पॉजिटिव वे से आपको कंप्लाई करना है। तो आखिर चलो जान ही लेते हैं कि पॉजिटिव पे सिस्टम है क्या। तो इसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में लेके आई हूँ, इतना बड़ा सा नोटिफिकेशन है जो 25th September 2020 को इश्यू हुआ था। इतना बड़ा, मुझे पता है कि इतना बड़ा रीडिंग करने में तो प्रॉब्लम है, चलो इसको मैं समराइज कर दूं। समराइज वे में बताती हूँ कि अगर आपने किसी को चेक दिया, यानी कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि मुझे किसी को पेमेंट करना है और इस केस में मैंने चेक इश्यू किया, चेक लिखा, तो यहाँ पे हाई वैल्यू चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम ऐसा बोलता है कि एडिशनल वैलिडेशन लगाना पड़ेगा थ्रू आर बैंक। यानी कि मैंने चेक इश्यू किया तो मुझे एडिशनल वैलिडेशन का एक रिकन्फर्मिंग की डिटेल्स फॉलो करना पड़ेगा थ्रू आर बैंक, यानी कि मेरे ही बैंक में मुझे रिकन्फर्मेशन करना पड़ेगा की डिटेल्स का। की डिटेल्स में ऐसे हो सकता है डेट, नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, पे
अमाउंट हो सकती है, चेक नंबर, ट्रांजेक्शन कोड एटसेट्रा, यानी कि ये जो की डिटेल्स है वो बैंक वाइज अलग अलग रहती है, की डिटेल्स अलग अलग रहती है जो हमें रिकन्फर्म करना पड़ेगा थ्रू आर बैंक। यहाँ पे थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन में भी एक रीड आउट करती हूँ कि जो ये पॉजिटिव पे सिस्टम है वो आरबीआई ने ऐसा यहाँ पे नोटिफाई किया है कि बैंक शेल एनेबल इफ फॉर ऑल अकाउंट होल्डर इश्यूइंग चेक अमाउंट मोर देन रुपीज 50,000 एंड अबो, यानी 50,000 का आरबीआई ने रिकमेंडेशन किया है। और आरबीआई ने ये भी रिकमेंड किया है कि बैंक मैंडेटरी कर सकती है इन केस ऑफ अ चेक फॉर द अमाउंट मोर देन रुपीज 5 लाख एंड अबो, यानी कि बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है। तो यहाँ पे मैं ये भी एक स्पेसिफाइड कर दूं कि हर एक बैंक में अलग अलग लिमिट रहती है फॉर पॉजिटिव पे सिस्टम, सबके बैंक की अलग अलग लिमिट रहती है। तो आपको आपके बैंक से कंफर्म करना पड़ेगा कि कौन सी अमाउंट का चेक से कौन सी लिमिट है जिससे ज्यादा आप अगर चेक इश्यू करते हैं तो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा पॉजिटिव पे सिस्टम। तो ये भी है। और यहाँ पे ये भी एक बात है कि आपके कोई अगर प्रॉब्लम हुआ है और चेक आपने इश्यू किया है और प्रॉब्लम हुआ है, देन आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में जाते हो तो वही चेक कंसीडर किए जाएंगे जिसमें आपने पॉजिटिव पे सिस्टम कंप्लाइट किया होगा। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि पॉजिटिव पे सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी अकाउंट होल्डर के लिए जो चेक सिस्टम यूज करते हैं। और अभी ये भी साथ साथ ध्यान लेते हैं कि पॉजिटिव पे सिस्टम को हमें अगर कंप्लाई करना है तो हम कैसे कंप्लाई कर सकते हैं। तो आप कंप्लाई कर सकते हो थ्रू मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ब्रांच विजिट करके भी कर सकते हो, यहाँ पे मतलब रिक्विजिट फॉर्म फिलअप करके आप कंप्लाई कर सकते हो, SMS के थ्रू, कॉल सेंटर एंड व्हाट्सएप बैंकिंग, इतने सारे मोड है जिसके थ्रू आप पॉजिटिव पे सिस्टम को कंप्लाई कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, इंडियन बैंक है, ये सारी बैंक ने पॉजिटिव पे सिस्टम को एक्सेप्ट मतलब कंप्लाई करना चालू कर दिया है, उसमें एक्चुअली है ये सिस्टम। तो आइए चलो प्रैक्टिकली देख लेते हैं, तीन बैंक का मैं यहाँ पे वीडियो में बताने वाली हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI एंड इंडियन बैंक में कैसे हम ये कंप्लाई कर सकते हैं। तो आइए फर्स्ट जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर हमें पॉजिटिव पे सिस्टम को कंप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हैं। यस, आप बैंक ऑफ बड़ौदा में पॉजिटिव पे सिस्टम कर सकते हो वाया एम कनेक्ट। फर्स्ट देख लेते हैं एम कनेक्ट में सबसे पहले तो आपका लॉगिन करना है, देन रिक्वेस्ट सर्विस पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट सर्विस पे क्लिक करने के बाद पॉजिटिव पे कंफर्मेशन में क्लिक करना है। पॉजिटिव पे सिस्टम में क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट नंबर, चेक नंबर, पेई नेम, अमाउंट, चेक डेट, ट्रांजेक्शन कोड, ये पूरा ही फिलअप करने के बाद प्रोसीड करना है। देन आपको अगेन ड्रॉई का बैंक नेम एंड ट्रांजेक्शन टाइप सिलेक्ट करना है एंड कंफर्म करना है। ये हो जाता है थ्रू एम कनेक्ट। अभी जान लेते हैं कि नेट बैंकिंग से हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आपको आपके BOB पे मतलब नेट बैंकिंग पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज में आना है, बाद में क्लिक करना है चेकबुक पे। ओके, चेकबुक पे क्लिक करने के बाद सेंट्रलाइज पॉजिटिव पे मैकेनिज्म पे क्लिक करना है। यस, क्लिक करने के बाद आपको जो की डिटेल्स है वो फिलअप करनी है, चेक नंबर, नाम, ट्रांजेक्शन कोड, चेक का अमाउंट क्या है, बाद में ट्रांजेक्शन कोड क्या है। ओके, बेनिफिशियरी पे का नाम भी यहाँ पे कंफर्म करना है। पूरी डिटेल्स कंफर्म करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है, देन OTP ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालने के बाद ये पूरा ही वेरिफिकेशन हो जाता है। तो ये था बैंक ऑफ बड़ौदा का टू मोड जो हमने वीडियो से देखा। अभी इसका मैं और एक समराइज वे में बता दूं कि मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग हमने देख लिया, आप बाय ब्रांच विजिट भी कर सकते हो, SMS के थ्रू भी कर सकते हो, कॉल सेंटर एंड व्हाट्सएप बैंकिंग के भी थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे SMS में बहुत ही एक बढ़िया है कि ये आपको नंबर पे आपको ये सारी डिटेल्स को मैसेज करना है, यानी कि CPPS लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है,
चेक नंबर, चेक डेट, अमाउंट एंड किसको पे का नाम, जिसको आपने चेक इश्यू किया वो ये नंबर पे आपको SMS करना है। देन कॉल सेंटर कॉल करके भी आप रिकन्फर्म कर सकते हो एंड व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू भी आप रिकन्फर्म कर सकते हो। ये था बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। अभी जान लेते हैं कि SBI में नेट बैंकिंग के थ्रू हम कैसे कंप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको SBI में लॉग इन करना है। देन आपको सर्विस एंड रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज में आना है। रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज में आने के बाद रजिस्ट्रेशन मॉडिफाई एंड आपको यहाँ पे आना है चेक लॉजमेंट। यहाँ पे सारी जो की डिटेल्स जो मांगी है वो फिलअप करने के बाद सबमिट, OTP वेरीफाई एंड देन यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव पे सिस्टम का कंप्लायंस SBI में हो जाएगा। अब एक और बैंक दैट इज इंडियन बैंक में भी जान लेते हैं। यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है, आपको गूगल पे जस्ट सिंपल जाना है और ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपको अकाउंट नंबर, चेक नंबर, इश्यू डेट, अमाउंट, ट्रांजेक्शन कोड, पे नेम एंड माइकर कोड एंटर करना है। ये पूरा ही एंटर करने के बाद आपको OTP वेरीफाई करना है, देन यहाँ पे भी कंप्लायंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पूरा ये डिस्कस किया कि पॉजिटिव पे सिस्टम आपने अगर नहीं कंप्लाई किया तो उसके बहुत सारे नुकसान है, फायदा भी बहुत है और बहुत एक सिंपल सा प्रोसेस है कि जो भी हमारा चेक का डिटेल्स है वो हमें बैंक के साथ रिकन्फर्म करना है, जो हमारी बैंक है उसको ही रिकन्फर्म करना है। उसके मोड भी हमने देख लिए। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा और आप आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो बैंकिंग बहुत ही यूज करते हैं, उसके लिए काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज वैल्यू ऐड हुई है। देन प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी। थैंक यू।